हाँ तो भाई पब्लिक, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और संडे का व्लॉग मैं नहीं डाल पाया क्योंकि मेरी तबीयत हो गई थी ख़राब थोड़ी सी, इसकी वजह से मैं अपना संडे का व्लॉग जो है कंटिन्यू नहीं कर पाया। बाकी आज है मंडे, आज हम अपना व्लॉग करेंगे। आई डोंट नो कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, कुछ भी, सब कुछ बस कैमरा ऑन है, चलता रहेगा सीन। सो करते हैं अपना व्लॉग स्टार्ट यहाँ से। और व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, यहाँ पर लाल कलर का बटन है, उसको सब्सक्राइब करो, आपको 500 रुपये मिलेंगे। झूठ बोल रहा है। सही, तो उसको सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियो मेरे को मिलती रहे। लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, शेयर करें। सो करते अपना व्लॉग स्टार्ट यहाँ से। आ चुका है अपना नाश्ता, और आलू चिकन का सालन है और पराठे हैं, चाय है। तो करते हैं पहले नाश्ता, फिर उसके बाद अपने जितने भी आगे के काम है वो निपटाते हैं, और सेंटर भी जाना है, बाकी ये सब कुछ भी करना है। तो सबसे पहले नाश्ता करते हैं। One hour later. भाई मैं हो चुका हूँ रेडी, क्योंकि 12 बजे मैं उठा था, नाश्ता किया, फिर उसके बाद थोड़ा मतलब मेरे पे का रिजल्ट था वो लेने गया, और अभी आया हूँ घर पर। अभी रेडी हुआ हूँ और बस सेंटर के लिए निकलने लगा हूँ। टाइम हो गया 2:30 हो रहे हैं, बस निकलते हैं सेंटर के लिए। आधे घंटे में पहुँच जाएंगे हम बाइक पे, अपनी बाइक पे जाएंगे। सो चलते हैं नीचे, पहले अपना जो है क्या नाम है उसका लैपटॉप का बैग पकड़ते हैं, गाड़ी पकड़ते हैं, उससे का निकलते सेंटर का। हमने सेंटर में बैग वगैरह रख दिया था, लेकिन एकदम हमारा प्लान बना है सी साइड पे जाने का, और राफे भाई हमारे साथ और एक और बंदा है, लेकिन वो इस दफ़ा विलोक में आना नहीं चाह रहा। आवाज़ सुनाओ भाई अपने। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। समझ तो गए होंगे, लेकिन वो विलोक में आना नहीं चाह रहा, कोई इसका इशू है। तो राफे भाई और मैं हूँ, और चलते हैं सीधा पहले सी साइड पर, और आज पहले ATM जाना है, फिर उसके बाद हमने जाना है सी साइड। अभी आज का फुल सीन हो जाएगा विलोक में। और कैसा है? तो भाई अभी आ चुके हैं ATM में, और राफे भाई हैं इस दफ़ा। राफे भाई की तरह से ये जो आवाज़ आती है ना कड़कड़, लेकिन आप नोट चेक करें हमारे कितने ज़्यादा नहीं दिखा रहे हो। छोड़ो यार, ज़्यादा पैसे होते हैं ना नज़र लग जाती है बंदे को, तो सभी अपने पैसे निकाल लें और सीधा निकलते हैं। कहाँ पे जाना है? सी व्यू कराची भाई लोग, हम सी व्यू जा रहे हैं। सी व्यू तो पहुँच के सीधा आपको मिलते हैं, और दो दरिया भी जाएंगे शायद। दो दरिया भी? पहले दो दरिया रस्ते में पड़ेगा, पहले दो दरिया, फिर सी व्यू, फिर सेंटर, फिर सेंटर से गला। रास्ता किसको पता है? रास्ता अच्छा, ये क्या सीन है बाकी? रास्ता यहाँ से तारीख रोड से मेरे को भी रास्ता नहीं पता। रास्ता कहाँ से पता है? रास्ता तो मेरे को उधर से ही पता है, लोकेशन लगा लेंगे। लोकेशन कैसे भी है अभी हम पहुंच जाएंगे, कवार हो गया भी पहुंचते सीधा सी व्यू। बस तुल्ले हमारे इंस्टा ना दे तो हम पहुंच जाएंगे। One hour later. अभी आ चुके हम सी साइड पे, और पूरा हम अपने आप को कवर करते हैं खवार होते होते। पहले लाइट हाउस पहुँच गए, लाइट हाउस से बंस रोड, और बंस रोड से सीधा हम अब पहुँचे हैं सी साइड पे। तो आप बताओ कितना खवार हो के आए हम? तू इतना खवार में सब छुप रहे हैं, ये छुप रहे हैं भाई। देख तो लिया आप लोगों ने कौन है, बाकी अब नहीं आना चाह रहा क्योंकि इसका थोड़ा इशू है, फेमस हो जाएगा ये। फेमस हो जाए। खैर आप व्यू दिखाते हैं, चेक करें। वैसे इस जगह पे मैं भी पहली दफ़ा आया हूँ, क्योंकि दो दरिया सी व्यू इस साइड पे जाते हैं, मतलब उस तरफ क्लिफ्टन की तरफ पहुँचो। तो खैर हम लोग यहाँ पहली दफ़ा आए, सही बात बोल रहा है ये। तो जोर से बोलो, आवाज़ चल रही, आवाज़ नहीं आई। हम नहीं जाते हैं दो दरिया उस साइड पे जहाँ पे डेटे आती हैं। सही है, तो वहाँ पे आवाम नहीं होती, टुल्ले नहीं होते ज़्यादा। हाँ ये देखो, लेकिन यार उधर भी मिट्टी होती है, उधर बजरी बजरी थोड़ी पड़ी होती है। ये क्या बात करता है यार। हाँ उधर क्योंकि मतलब पानी आगे आ रहा होता है ना, तो वो मिट्टी थोड़ी गीली होती है, उसमें इतनी मतलब चौंक गंदे नहीं होते। इस पर तो हमारे चलते ही ऐसे जैसे हम पता नहीं कहाँ से मजदूरी करके आ रहे हैं। बाकी आप व्यू देखें, ये पीछे पॉट है ना, पॉट वो क्या बोलते हैं, पॉट काशी में पीछे, और ये पूरा छोड़ दो, ये सामने पोर्ट कासिम है, और ये सामने हमारे सी साइड है, और ये सारे यार क्या कर रहा है, मिट्टी उड़ा रहा है यार ये। अभी चलते हैं आगे, थोड़े से पाँव गीले करते हैं, फिर वापसी अपने पाँव गंदे करते हैं, फिर वापसी गीले करें। चले एक काम कर, 200 रुपये दे और 50 रुपये कट ओवर एक्टिंग के वजह। पीछे
चलते हुए आके बैठे हैं अभी यहाँ पे और सनसेट अब चेक करें कैसे। और ये चाचा जो इधर आके अपनी सारी सुस्ती उतार रहे हाथ ऊपर करके। राफी भाई फिर KFC मंगवा लिया आपने? KFC ऑर्डर कर दिया आपने, बस आ रहा है। और झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। अगर हम आगे चलते हैं, आगे जाके थोड़ा घूम के आते हैं, थोड़ा सा चल के पाँव ढीले करके आते हैं। बाकी आप इधर पोर्ट चेक करें, नज़ारे चेक करें। आज इसलिए हमारा प्लान बना इधर आने का क्योंकि सुबह से ना मौसम अच्छा था, मौसम ठंडा ठंडा हो रहा था। हमने कहा कराची में भाई बहुत दिनों से गर्मी हो रही है, इससे अच्छा मौका हमें आज ही मिला है जाने का। तो अभी आगे चलते हैं सीधा और आगे पाँव के लेकर। भाई पानी में आ चुके और इतना ठंडा ठंडा पानी है ना। बाकी और कुछ नहीं, मेरे को जो सनसेट नज़र आ रहा है ना वीडियो में, ये सबसे VIP लग रहा है। आहा यार, ये सामने सनसेट लगा हुआ है ना, तो और ये क्या हो रहा है, सूरज डूब रहा है ना और कपड़े गीले हो रहे हैं। वापसी सेंटर भी जाना है और थोड़ा पीछे चलते हैं, इसी में ही हमारी भलाई है। और बाकी तो अपने सीधे आ गए, ठीक है, ये ना हो कपड़े भी गीले हो जाएं और जाने वाले। ओ भाई 7 बजे के बाद बहुत हैवी सीन हो जाता है। इसके बाद तो घर में ये चेक करो आप सनसेट, पूरा व्यू चेक करो आप सब। साहिल और पानी में सनसेट चल ये चीज बहुत अच्छी है सनसेट। हमारा KFC आ गया, ये देखिए आप। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। ने जो है KFC से गोल गप्पे ऑर्डर किए थे। अब आप कोई लोग बोलेंगे यार के KFC के वो मेन्यू कार्ड में गोल गप्पे होते नहीं, आप पता है होते नहीं होते, जब हम बोलते हैं तो गोल गप्पे होते हैं, वो भी KFC के अंदर। तो इसको खाते हैं, खाएं आप, शुरू करें, शुरू करें आप। मज़ेदार मज़ेदार भाई। पहले हम दूसरी साइड से आए थे, अब हम जा रहे हैं इस तरफ से बाजार वाली साइड से और सीधा जा रहे हैं हम सेंटर। बाकी अब ये इधर शॉप्स हैं कुछ, ये लंडा है क्या है ये सारा मोती बाजार, ये मतलब सारी वो जो मोती बाजार है, मतलब समुंदर की जो चीज़ें उनसे बनी हुई चीज़ें इधर, और कुछ कपड़े वगैरह भी हैं यहाँ पे। फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे, एक वीडियो बनाई यहाँ पे ना। हाँ ये पूरा इधर का मतलब बाजार है, मोती बाजार और कपड़े वपड़े हैं कुछ। तो अभी चलते हैं सीधा सेंटर, मिलते हैं आपको सेंटर जाके, क्योंकि यहाँ तो मैं आगे नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे खड़े खड़े ज़्यादा लंबी हो रही है ना। अब वो किधर रह गया है, वो भी आ रहा है। फिर बाइक निकालते हैं और निकलते हैं सेंटर, उधर जाके बैठेंगे, काम वगैरह करेंगे, उसके बाद फिर सीधा घर, घर से फिर सुबह वापसी इधर, फिर घर, फिर वापसी। तो भाई राफी भाई अभी करने लगे निशानेबाजी, और किधर मारा है तो पता चलेगा। वो तो ये भी बोल दे के बोल आपके भाई ने जो है 10 रुपये खर्चा। अबे लौड़े अपना काम कर, और दे रहे 20 तो दिए, 10 रुपए दिए अल्लाह के बंदे, वही तो निकल रहा है। इसमें नमक कितना पता नहीं, मुझे पता नहीं पता क्या है। इसके दो नहीं दिए, दो दिए भाई, इतने चार जेब में चेक करो, दूसरा ले लो यार, खैर हो गई। वैसे तो अभी सौ का दिया, उधर 20 का नोट है, नहीं बोलते 20 वाले दो थे, नहीं चार थे यार, नहीं ना कौन थे तो देखा ना, चार थे, छोड़ दो यार नहीं मानेगा। तो जाहिर सी बात है, आपने देखा नहीं, आप 20 थे, सेट लग गया, पता है सबको, बाहर है यार 10 थे यार, सबको पता है। बस बहुत है यार, चलें भाई चलें। 2000 years later तो भाई उधर से फ्री होके हम जो अपना काम वगैरह करके फ्रेश वगैरह होके, भूख लग रही थी, अब हम आए जिंगर खाने। इधर देखते हैं मेन्यू कार्ड में क्या क्या, भाई जल्दी बताएं आप क्या 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 लेना है। एक क्लब सैंडविच और एक जिंगर बर्गर, एक क्रिस्पी जिंगर जो। तो भाई एक क्लब सैंडविच करवाया और एक जिंगर बर्गर करवाया, वेट करते हैं इसका आने का और फिर खाने का। सही है,
भाई अभी हमने बर्गर ऑर्डर कर दिया है क्योंकि दोनों उसके पास क्या नाम है उसे क्लब सैंडविच नहीं था अवेलेबल, तो हमने दोनों उसको जो है बर्गर ऑर्डर कर दिया है। इसने भी बर्गर खाना है और मैं भी बर्गर खाऊंगा, तो अभी वेट करते हैं थोड़ा सा, फिर आता है खाते हैं, फिर जाते हैं, फिर खाते हैं। आजकल पता नहीं क्या डबल डबल बातें बहुत हो रही हैं। कोई नहीं, वेट करते हैं, बर्गर खाते हैं, फिर उसके बाद अपना सेंटर जाते हैं, काम करते हैं, फिर घर पर आराम करते हैं। भाई आ चुका है जिंगर और ये तो खाने भी शुरू हो गया। मैंने कहा चेक करते हैं पहले फ्राइज, बर्गर तो मज़े का ही लग रहा है। ख़त्म है भाई ये बर्गर, KFC और मैकडोनल्ड्स को पीछे छोड़ दिया इसने। ऐसा ही है, आपने खाया आप बताओ। One hour later. तो हाँ अभी पहुँच चुका हूँ मैं घर पे और अभी टाइम हो रहा है 11:30, क्योंकि थोड़ा लंबा रूट है मेरा, तो ज़्यादा टाइम हो गया क्योंकि 1 बजे का गया हुआ था, 11 बजे घर पे आऊँगी, टाइमिंग है सेंटर की। सो अभी करता हूँ मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही एंड। आपको अच्छा लगा वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, और जो मेरे न्यू है चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाजमी लाइक करें वीडियो को। सो मिलते हैं आपसे किसी अगले व्लॉग में, वक्त तक के लिए बाय बाय।